तो आज मैं इस प्लेको को निकालने जा रहा हूँ। कारण मैं आपको बताऊँगा क्यों, क्योंकि तकरीबन हमने एक महीना या 20 दिन इसमें रखा था। बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, तो आज मैं इस प्लेको को निकालने जा रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने निकाला है, ये देखिए काफ़ी बड़ी साइज़ है। तब भी ये नहीं मरती है, इवन अगर पानी में एक दिन भी अगर 24 घंटे बाहर है तब भी नहीं मरती, इतनी हार्डी फिश होती है। लेकिन मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतना डेंजर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक, आप सब फिर स्वागत है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक आता हूँ, देखिए यहाँ पर प्लेको है मेरे सामने। हम इसको वाटर के बाहर भी रख सकते हैं, आप बुरा मत मानना कि क्या ये बाहर वाटर के बाहर लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे भी अगर 4-5 घंटे रखे तब भी ये नहीं मरती है, इवन अगर पानी में एक दिन भी अगर 24 घंटे बाहर है तब भी नहीं मरती, इतनी हार्डी फिश होती है। लेकिन मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतना डेंजर है। काफ़ी खूबसूरत है लेकिन उतनी डेंजर है। हाँ, डाल दिया मैंने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आप सबका स्वागत में चैनल, जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपडेट के ऊपर, जो प्लेको के ऊपर है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आपके प्लेको जो आपने ऐड किया था उसका बिहेवियर कैसा था, क्या हुआ। आपको पता है जब मैं मुंबई जा रहा था, पिछले 10-15 दिन में मुंबई में था, उससे पहले मैं यहाँ पर टैंक में डालकर गया था और आपको बताया था कि टर्टल्स के साथ और फिशेस के साथ प्लेको रख सकते हैं नहीं, और मैंने वीडियो भी बनाई थी कि क्यों नहीं रख सकते। और मैंने लेके आया था एक्वेरियम शॉप से, हालांकि ये कर्नाटक में बैन है, बहुत सारी जगह पे बैन है। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि फ़िशेस जब बड़ी होती है, छोटी होती है तो बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। मैं कॉमन प्लेको की बात कर रहा हूँ, हर फिशेस की, हर प्लेको की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्लेको में बहुत सारे टाइप्स के फ़िशेस आते हैं, वेराइटीज़ आते हैं, जिन आते हैं, जेनरिक आती है। तो मैं कॉमन प्लेको की बात कर रहा हूँ जो जब बड़ी होती है 3 फीट तक बड़ी हो जाती है। स्टार्टिंग क्या करते हैं लोग, उसको छोटी होती है 2-3 इंचेस की, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, ग्लास क्लीनर बोलते हैं उसको, ग्लास में चिपकी रहती है, क्लीन करती रहती है, इसलिए लेके आके रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद समझो बहुत उसका ग्रोथ रेट भी बहुत काफ़ी बड़ा होता है कम्पेयर टू अदर फिशेज। 1 साल तक जब ये होती है तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर ये 1 फीट 1.5 फीट तक बढ़ जाती है। हालांकि मेरे पास जो अभी प्लेको है 6-7 इंचेस की ही है, अगर एक्वेरियम में रखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एबो 1 फीट हो जाती है, अगर नेचर में रखते हैं तो 3 फीट तक बढ़ जाती है। और 1 फीट भी होना काफ़ी सर दर्द है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल के गया था, ये सारे फिशेस को चेस कर रही थी, और इवन मेरे अरोना को भी इसने डैमेज किया है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अरोना मेरी यहाँ पर है, इसकी उस साइड में अगर देखेंगे तो ये उसको हट की थी, क्योंकि ये उसको अटैच करने की कोशिश कर रही थी, उसके चक्कर में ये आरोना क्या किया, जम करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर देखिए एक स्केल निकला हुआ है, शायद आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर एक स्केल निकला, वो जम करने की कोशिश करने के चक्कर में उसका स्केल निकल गया। यहाँ तक उसको ब्लड भी आ चुका था, जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं बाहर था, तब मुझे घर से फ़ोन आया, तो मैंने उसको प्रकाशन घर में बताया कि क्या करना है, उसको कैसा करना है प्लेको को, तो हम निकाल दिए थे। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली फिर दोबारा डाल के दिखाया था कि आप लोगों के सामने मैं प्रटेंड करूँ कि हम निकाल रहे हैं, तभी सब लोगों को माइंड में आएगा कि हम इससे निकाल रहे हैं। तो ये प्लेको काफ़ी अग्रेसिव होती है और ये स्लाइम खाती है। स्लाइम मतलब जो चिकनापन होता है फिशेस की बॉडी पे, अगर हम मोटी मोटी बात में कहें तो चिकनापन जो होता है फिशेस की बॉडी पे, वो उसको पसंद है, उसको खाती है, तो उसको खाना स्टार्ट कर देती है। जब छोटी होती है तो पूरे ग्लास क्लीन करती रहती है, ग्लास को लगती रहती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो उसको ग्लास में चिपकना पसंद नहीं होता है ज़्यादातौर पर, वो फिशेस के ऊपर चिपकना स्टार्ट होती है। इवन वो पैरेट फिश के ऊपर चिपक रही थी और दूसरे फिशेस को बुलिंग भी कर रही थी, दूसरे फिशेस जाकर वहाँ पर, अभी जो मेरी फिशेस देखी वहाँ पर कन्विक्सिलेट अभी अंदर गई, ये छोटी फिशेस वहाँ पर जा रही है, लेकिन जब प्लेको रहती तो वहाँ नहीं जा पाते थे वो, क्योंकि वहाँ पर जाकर प्लेको बैठ जाती, तो उसके डर के चक्कर में ये फिशेस वहाँ पर नहीं जाते थे, हमेशा यही खड़े रहते थे। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कॉमन प्लेको बैन होना हो वो सेकेंडरी है, लेकिन आप मत खरीदो। अगर कोई एक्वेरियम शॉप पे सेल कर रहे हैं तभी मत खरीदो, क्योंकि बड़ा सर दर्द। कारण मैंने बता दिया कि जब छोटी फिशेस होती है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, जब एक फीट की हो जाती है तो कोई इसको एक्वेरियम में रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों को बुलिंग करेगी, और बड़ी होने के बाद इतनी खूबसूरत भी नहीं लगती है और काफ़ी बड़ी लग जाती है, या उल्टा गंदगी करना स्टार्ट कर देती है, दूसरे फिश से ज़्यादा वो गंदगी करती रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, जाकर उसको तालाब में छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्वेरियम शॉप वाले भी उसको लेते नहीं है, तालाब में लेक में जाकर छोड़ देते हैं। और तालाब में लेक में ऐसा हो चुका है कि हर जगह प्लेको भर चुके हैं, और ये प्लेको कोई खाता नहीं है पकड़ के, जैसा कि आम फिशेस खाते हैं। तो जो नॉर्मल फिशेस है लेक के अंदर, तालाबों के अंदर, उनको ये अटैक करना स्टार्ट कर देती है और उनकी जनरेशन को ख़राब कर देती है, तो इकोसिस्टम पूरा ख़राब हो रहा है।
तो इस तरह कहता हूँ कि मैं प्ले को मत खरीदो, हालांकि मैंने ख़रीदा नहीं है, एक एक्वेरियम शॉप में नियर में वहाँ से देखा था मैंने, उनके पास बहुत पुराना स्टॉक था, वो भी सेल नहीं करते, तो मैंने सोचा चलो लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे व्यूवर्स को दिखाने के लिए, तो मैंने ले लिया। हालांकि वो क्लिप हम लेने की कोशिश की, लेकिन घर पर जब मैं नहीं रहता हूँ तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है, घर पर चले जाते हैं उनके माँ के यहाँ, तो यहाँ पर सीसी कैमरा लगा दिया जहाँ पे हम गौर करते हैं, कभी कभी आते हैं दिन में फूड डाल के चले जाते हैं, तो इस तरह होता है। तो बहरहाल वही है कि मैं इस वीडियो का कहने का मकसद ये है कि आप प्ले को मत खरीदो भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपको राइट है वही सजेशन करना मेरा फ़र्ज़ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि उसके बदले में आप ब्रिस्टल नॉस प्ले को ले सकते हो, गोल्डन प्ले को ले सकते हो, आर्टो सिंगुलस काफ़ी अच्छी फिश होती है प्लैनेट टैंक के लिए, वो ले सकते हो, सियामिस एलिगेटर ले सकते हो, वो भी अल्टरनेटिव है, या हिल स्ट्रीम लोचस ले सकते हो, वो भी उसके लिए अल्टरनेटिव फिश है, या उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के प्ले को आते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते हैं, वो लेकर रखो। कॉमन प्ले को लेना बंद कर दो, क्योंकि ये इकोसिस्टम को ख़राब करता है। आप लेकर रखते हो, बड़ी हो जाती है, तो बड़ी होने के बाद एक साल दो साल के बाद आप उसको अपने पास नहीं रख पाओगे, ले जाकर तालाब में कहीं छोड़ दोगे, वहाँ पर वो इकोसिस्टम को वहाँ के ख़राब करेगी, क्योंकि वहाँ पर वो फिशेज़ को अटैक करेगी, वहाँ के फिशेज़ के अंडों को खाएगी। यहाँ तक यहाँ पर एग्जाम्पल फोटो दिखा रहा हूँ, ये रियल फोटोज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी हैं जहाँ पर जाकर ये चिपक जाती है, वो जाकर उनको स्लाइम कोट खाती, जब तक कि वो फिशेस वो एनिमल मर ना जाए तब तक वो अटके रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप प्लेको से दूर रहो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप अपने पॉन्ड के अंदर रखो, भाई पॉन्ड के अंदर ही मैं नहीं रह सकता, क्योंकि पॉन्ड के अंदर क्या है, वहाँ पर मैंने पाइंट लगाया टाइल्स के ऊपर, ये हमेशा टाइल्स के ऊपर लगी रहेगी, तो पाइंट और भी ज़्यादा निकलने के चांसेस है, ऑलरेडी निकल रहा है, और भी ज़्यादा निकलने के चांसेस है, और कभी कभी कोई को भी अटैक कर देती है, क्योंकि कोई स्लो स्विमर फिश है, ज़्यादा फास्ट स्विम नहीं करती है, तो उसको भी स्लाइम कोट खाने के लिए चक्कर में अटैक कर सकती है, क्योंकि ये लगभग कोई के बराबर ही है। तो इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, और मैं अपने टर्टल पॉन्ड में भी नहीं रह सकता, और अपने सिटलेट टैंक में भी नहीं रह सकता, मतलब इसके लिए यहाँ पर टाइट है पूरी जगह, पूरी पैक है, इसको नहीं रह सकता, तो इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये आज का अपडेट था, बहुत ज़रूरी था ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि प्ले को मत खरीदो, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मेंटेन करो, बड़ा होने के बाद तालाब में मत छोड़ो, कहीं मत छोड़ो, ले जाकर उसको आप चाहे तो कोई एक्वेरियम शॉप वाले को दे दो, बड़े एक्वेरियम शॉप वाले को जो खरीदना चाहते हैं, या बड़े बड़े एक्वेरियम हैं जिनके पास बड़े बड़े पॉन्ड हैं, उनको ऑफर कर दो फ्री में, लेकिन तालाब में मत छोड़ो, लेक में मत छोड़ो, नेचर में ले जाकर मत छोड़ो उसको। सबसे पहले उसका प्रिकॉशन ये कि आप खरीदो ही मत, उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग वेराइटी है, क्योंकि बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है, लोग सिंपली लेते हैं, बाद में जाकर ये सरदर्द बन जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो बस यही है कि अपडेट देना था हमारे फाइफिट टैंक और अपडेट के बारे में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में मालूम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।